दोस्तों इस वीडियो में आई विल एनालाइज के जे सोमया कॉलेज फॉर यू, के जे सोमया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 2016-18 का एक्चुअल प्लेसमेंट रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा के जे सोमया का। कंपनी का नाम बताऊंगा, कंपनी एक्चुअल कितना सैलरी देती है वो दिखाई देगा इसमें आपको, और पूरा एनालिसिस के जे सोमया का 2018 बैच का। इससे आप ये पता कर सकते हो कि के जे सोमया कैसा कॉलेज है। दोस्तों के जे सोमया इज़ अ डिसेंट टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज। ये कॉलेज तापमी गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस लेवल का है। तापमी, GIM गोवा, के जे सोमया, ये सब एक ही लेवल के कॉलेजेस हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये कंपनी लिस्ट है के जे सोमया की, ICIC बैंक, डी शॉ, एक्सेंचर, माइकल पेज, बार्क्लेज, GP, ये अच्छी कंपनीज है जो आती है के जे सोमया, रिकेट बैंकाइजर, PwC, ITC। ये पैकेज कितना देती है मैं आपको बताता हूँ। ICICI बैंक देती है पैकेज 9.05, 9 लाख का पैकेज देती है CTC के जे सोमया में। डी शॉ का CTC है 24 to 26.5, ये की हाइस्ट सैलरी देती है के जे सोमया में, और इन हैंड कम आता है पर CTC है 24 to 26.5। इसके अलावा माइकल पेज देती है 10.5 का CTC, एक्सेंचर का CTC वेरी करता है 9.8 और 12.8 से 14 तक। इसके अलावा बार्क्लेज देती है 9+1, 10 लैक्स का CTC, मार्च देती है 10.5 लैक्स का CTC। तो देखिए ये है CTC दोस्तों कंपनी की, 10.4, 11.75, 10, 8.25, ये है CTC कंपनीज की। और कंपनीज हैं ACG वर्ल्ड वाइड, इन्वेस्को, L&T फाइनेंशियल, KPMG, क्रिसिली। एक्चुअल प्लेसमेंट्स है दोस्तों, एक्चुअल प्लेसमेंट्स, कंपनी वाइज सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। फैक्टर एनालिटिक्स, स्मार्ट क्यूब, ये सैलरी देती हैं 6.5, 7.2, 10। ये जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, महीने बीतते जाते हैं, सैलरी कम हो जाती है। तो ऊपर में 10.9 का था, इसके बाद देखिए 6.8, 6.25, 8। ये कुछ साल पहले का प्लेसमेंट रिपोर्ट है पर ये एक्चुअल प्लेसमेंट फिगर्स है। दोस्तों मैं आपको एनालिसिस का बताता हूँ करके कि एक्चुअली आप के जे सोमया जा सकते हैं। के जे सोमया का आपको जाना चाहिए कि नहीं, ये इन शॉर्ट बताता हूँ मैं आपको। 52 पीपल गॉट अ PPO, और प्लेसमेंट विंडो के पहले, प्लेसमेंट विंडो जो यू नो ऑफिशियली प्लेसमेंट स्टार्ट होता है उसके पहले 97 लोग प्लेस हो गए थे, और प्लेसमेंट विंडो में 138 लोग प्लेस हुए थे, और आफ्टर प्लेसमेंट विंडो 170 लोग प्लेस हो गए थे के जे सोमया के सारे प्रोग्राम्स का है। तो ये अच्छा फिगर्स है। अगस्त के महीने में 19 लोग प्लेस हुए थे, सितंबर के महीने में 21, अक्टूबर के महीने में 43, नवंबर में सबसे ज़्यादा लोग प्लेस हुए 193, और अप्रैल तक प्लेसमेंट चला, अप्रैल में 3 लोगों का प्लेसमेंट हुआ। और ये रहा एक्चुअल फिगर दोस्तों, इसके बेसिस में आप डिसाइड करिए कि आपको के जे सोमया जाना है कि नहीं। 15 एंड अबव लैक्स का प्लेसमेंट सिर्फ 14 लोगों का हुआ है, 12 से 15 लाख CTC का प्लेसमेंट 20 लोगों का हुआ, 10 टू 12 लैक्स का CTC 75 लोगों का हुआ। ये 2018 बैच का है, 2018 बैच का फिगर है, तो आप उसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो। 8 टू 10 लैक्स में सबसे ज़्यादा लोग प्लेस हुए 202 लोग, और 6 से 8 लोग में 145 लोग प्लेस हुए। PGDM कोर का एवरेज 10.66 था, फिनेंस का, मार्केटिंग का 9.51, ऑपरेशंस का 10.44, और HR का 9.27। ये एक्चुअल एवरेज फिगर्स है दोस्तों, और ये आप देख सकते हो। कोर्स वाइज PGDM कोर एंड PGDM IB का अच्छा प्लेसमेंट्स होता है, RM का भी अच्छा प्लेसमेंट्स है, FS, कॉम और MMS का थोड़ा नीचे प्लेसमेंट्स होता है। तो दोस्तों इस बेसिस में आप डिसाइड कर सकते हो आपको के जे सोमया जाना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से अच्छा कॉलेज है, अगर 2018 में 9-10 का एवरेज दिया है तो अभी तो और ऊपर देना चाहिए। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।